गैस ये तो पेमेंट के लिए आपने अपने बैंक को मेल भी कर दिया, ठीक है, और उसके साथ आप बैंक भी गए, आपने जो रिसिप्ट होती है बैंक की वो भी निकाली, फिर भी अगर आपका पेमेंट अभी तक यूट्यूब पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, क्योंकि आज 3 नवंबर है और आपको पता है 21 को जो है रिलीज हो जाती है, अगर कोई हॉलीडे या बैंक प्रॉब्लम नहीं तो 25-6 तक हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है रिलीज डेट के बाद, ठीक है। लेकिन आज 3 नवंबर है, फिर भी बहुत से लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा पेमेंट अभी तक नहीं आया है, और ये फर्स्ट पेमेंट नहीं, फर्स्ट पेमेंट चलो मान लेते हैं लेट हो जाता है पेपर वर्क में, लेकिन बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट्स हैं जिनका जो है ये थर्ड सेकंड मतलब फर्स्ट पेमेंट के बाद वाला पेमेंट है, फिर भी उनका बैंक अकाउंट में नहीं आया है। और जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि आपने सारा वो कर लिया, ईमेल बैंक भी जा लिए और अपने रिसिप्ट भी दिखा दी, और बैंक में आपको क्या बोला जाता है कि हमको इसके बारे में नहीं पता है, आप स्विफ्ट कोड वाली बैंक से कांटेक्ट कीजिए। तो इसका सलूशन क्या है, कैसे आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, एंड कैसे अपना हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगती है हेल्पफुल होती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मेरा नाम है और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका सलूशन क्या है और कैसे पेमेंट आएगा, यहाँ पर देखो होता क्या है, जब भी आप जो है मेल करते हो, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मेल करके आप पैसे ले सकते हो, तो वहां पर बहुत से लोगों का आ गया था, यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखो इनका भी आ गया, इनका भी आ गया, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं आया था। तो बहुत से लोगों को आ गया था लेकिन बहुत से लोगों का मेल के बाद भी नहीं आया, तो अगर आपका मेल के बाद नहीं आता है तो आप रिसिप्ट दिखा सकते हो जाके बैंक में, फिर भी नहीं आता है तो आप बैंक जाते हो तो वहां पर ऐसा ऐसा बोलते हो पेमेंट आया है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें नहीं पता, असल में उनको नहीं पता रहता है, वो बात आपको खुद बतानी होगी, उनको समझाना होगा, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करके आपको या तो मोबाइल में रखना है या प्रिंट करा लेना है, ठीक है, प्रिंट करा लीजिएगा ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होगा तो वो आपकी बात ज्यादा अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, बैंक में अक्सर ये होता है। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो आप डॉक्यूमेंट्स जो रिसिप्ट ले जाकर बैंक जाते हैं वो रिसिप्ट आप किसी और कर्मचारी को ना दिखा करके सीधा बैंक मैनेजर को दिखाएंगे, ठीक है, आपकी बात वही समझेंगे, कोई कर्मचारी इसके बारे में नहीं जानता है तो वो शायद ना समझे, ठीक है। फिलहाल आप जाइएगा अपनी रिसिप्ट लेके बैंक में जाके उनको सारी बात जो है डिटेल में समझाइएगा एंड उनसे अच्छे से बात कीजिएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत से लोग क्या होते हैं यार, पहला पेमेंट है या दूसरा पेमेंट है बैंक के, बहुत घबरा जाते हैं यार, मैनेजर मना ना कर दे ये ऐसा है, नर्वस होके उनसे बात करते, तो ऐसा नहीं, फुल कॉन्फिडेंस यार सब कुछ यार, मतलब कोई तुमसे बड़ा थोड़ी ना होता है, तुम्हारा पैसा तो इसलिए तो तुम बैंक जा रहे हो, मतलब इसमें भी क्या डरना, तो जाओ सीधा उनको पेमेंट रिसिप्ट दिखाओ, बोलो सर मेरा जो है पेमेंट आया है और मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो वो लोग देखेंगे बोलेंगे यार हमें तो कुछ नहीं पता, तो आप सिंपल सा उनको ये बोल देना कि यार देखो सर मेरा जो पेमेंट है आपकी हेड बैंक जहाँ का मैंने स्विफ्ट कर दिया वहां पर आ गया है, और वहां से ये रिसिप्ट जहाँ से पेमेंट हमारा रिलीज किया गया वहां से ये रिसिप्ट आई है, तो आप जो है कांटेक्ट कर लीजिए अपने हेड ब्रांच को जहाँ से ये ब्रांच जिसका शाखा है, ठीक है, तो वो लोग उनके पास कांटेक्ट नंबर रहता है हेड ब्रांच का, तो वो लोग तुरंत जो है कांटेक्ट कर लेते हैं अपने ब्रांच को, ठीक है, और जैसे वो लोग कांटेक्ट करते हैं आपकी पेमेंट आईडी वहां पर देखो लिख रही होगी, जो आपका रिसिप्ट है उसमें पेमेंट आईडी पेमेंट नंबर ऐसा कुछ लिख रहा होगा, वो लोग जैसे वो पेमेंट आईडी पेमेंट नंबर बता देंगे आपका जो पेमेंट है, आपका एक अकाउंट वहां भी होता है और आपका एक अकाउंट यहाँ भी होता है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, ठीक है, आपके दो अकाउंट होते हैं सर में, एक होता है स्विफ्ट कोड वाली बैंक में और एक होता है आपके ब्रांच में, ठीक है, तो आपकी जो स्विफ्ट कोड वाली बैंक है वहां तो पैसा 25-26 को ही आ जाता है अगर कोई हॉलीडे नहीं है, और फिर भी अगर नहीं आता है तो आपका वहां पर फंस जाता है, मतलब वेरिफिकेशन के लिए कि इस ब्रांच से जो है हमको कॉल आएगा तभी हम ट्रांसफर करेंगे, तो जैसे वो लोग कॉल करते हैं पेमेंट आईडी नंबर बताते हैं आपका जो पेमेंट है वो आपका वहां से ट्रांसफर करके आपके बैंक अकाउंट में केवल 5 मिनट के अंदर भेज दिया जाएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरा पेमेंट फंस गया तो मैं जाता हूँ वहां पर रिसिप्ट लगाता हूँ, वैसे हमको तो मैनेजर जान गए, फोन पे ही काम हो जाता है, फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैनेजर भी हमारे बैंक की काफी ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, तो आराम से काम भी कर देते हैं फोन पे ही, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ऐसा ही प्रोसेस है ये करना है, तो आप जाइएगा उनसे अच्छे से बात कीजिए, उनको समझाइएगा कि स्विफ्ट कोड वाली बैंक कॉन्टेक्ट कर लें, वो आपका पेमेंट 100% करा देंगे, केवल 5 मिनट भी नहीं लगेगा, करा देंगे जो भी वहाँ पे मैनेजर होगा, ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना जो पेमेंट है ले सकते हो आराम से, और आपको कोई जरूरी नहीं बैंक जाना या वेट कर सकते हो, आपका पेमेंट आराम से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। होपफुली गाइस वीडियो पसंद आई, लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, गाइस मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।